सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं द ट्विंस। तो गाइस इस गेम का कंसेप्ट है कि दो चोरों ने अपने घर पे कुछ वैल्यूबल चीज़ें चुरा ली है। उन दो चोरों के घर पे एज मी, यानी कि मैं भी एक चोर हूँ इस गेम में, तो मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ उन तीन चीज़ों को चुराने, जिससे कि अगर मैंने उन तीन चीज़ों को चुराया और पुलिस वालों को सबमिट कर दिया तो मेरी सज़ा माफ़ हो जाएगी और मैं पूरी ज़िंदगी आराम से जी पाऊँगा, वरना मुझे रहना पड़ेगा जेल में। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए गेम को कर लेते हैं स्टार्ट। हम पहले देखो, इजी तो हम कभी खेलते नहीं, तो हम खेलेंगे नॉर्मल में। तो इसमें क्या है, बक एंड बॉब, दोनों का नाम बक, एक का नाम है बक और एक का नाम है बॉब। द प्लेयर लूजेज नॉर्मल हेल्थ इन व्हेन ही इज इंजर्ड, मतलब कि हम इसमें हेल्थ लूज़ करेंगे। मतलब कि इसमें वो डेज वाला कंसेप्ट नहीं होता, इसमें अगर आपकी हेल्थ ख़त्म हो गई तो आप मर जाओगे, मतलब ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है। एंड अगर हम पहली बार खेल रहे हैं तो गाइस देखिए, गैसेस को हम ऑन रखेंगे पहली बार के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम गैस को बंद कर देंगे। और क्या, ब्रिंग बैक दीज थ्री वैल्यूएबल आइटम्स, एस्केप द हाउस थ्रू द एग्जिट डोर। ओके, एक है डायमंड, एक है मोनालिसा की पेंटिंग, एक है आई थिंक कोई कॉइन है। तो चलिए इस गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। बॉब एंड बक हियर एवरीथिंग, सो ट्राई टू बी क्वाइट। ओके, रिमेंबर टू टेक इट ईजी, यू कैन हर्ट योर सेल्फ वेन योर लाइफ लाइन इज गॉन, इट्स गेम ओवर। इफ़ यू प्ले विथ गेसेस फाइंड द मास्क। ओके, विच मास्क पता नहीं हमें। एंड चलिए इस गेम को स्टार्ट कर लेते बिना किसी देरी के। तो ओके, मैं आ चुका हूँ किसी बिल्डिंग के रूफ टॉप पे। एंड ये क्या है, सीढ़ी, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, द डोर इज़ लॉक्ड, ये वाला दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं। ओके, मे बी आई कैन यूज़ द क्रोबार। ओके, अरे अच्छा क्रोबार यहाँ पड़ा था, हाँ। एंड यहाँ पर बहुत सारे इवेंट है भाई, इवेंट फाड़ दे सारे के सारे, बहन की गर्मी हो जाएंगे ना, खुद घर के बाहर निकल जाएंगे बॉब एंड बक सारे। ओके, ओए ओए, ये क्या सेटअप से लगा रखा है यार, मैं नीचे तो जा सकता हूँ। देखो ऊपर रेड में मेरी लाइफ लाइन आ रही है, अगर मैंने डैमेज दिया तो ये लाइफ लाइन ख़त्म हो जाएगी। व्हाट, मैं अभी कूदा ही, वो कौन सा जानवर है, अच्छा वो आई थिंक बीटल जैसा कुछ हार, वो से छोड़ो। यहाँ देखो मैं अभी जस्ट घर पे कूदा एंड वो है मोनालिसा की पेंटिंग। हाय साहब, गेम आई डोंट थिंक, ये पहली चीज़ आई थिंक ईजीली मिल गई। आर यू श्योर अबाउट दैट, दूसरी चीज़ का पता नहीं ईजीली मिलेगी कि नहीं। एंड यहाँ से नीचे कैसे उतरूँ मैं, ये बहुत सारे फट्टे से लगा रखे हैं, ये शायद ये हमारे लिए ही है। देखो कि इतने फट्टे वट्टे, इतना सेटअप लगा लिया है, तो बस एक और वो क्या चीज़ है पता नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था इतने फट्टे वगैरह लगा लिए पुलिस वालों ने, ये तीन चीज़ें नहीं लेकर आए, मतलब इतने फट्टू है लो ये लोग, आई साहब छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं। ये देखो ये दोनों की मूर्तियाँ यहाँ लग रखी है भाई साहब, इनका घर पहले तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा आज के दिन, पता नहीं आज एस्केप होगा कि नहीं, पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा इनका घर। कोई आ रहा है क्या दोनों में से, यहाँ भाई साहब इनके अंदाजुन कपड़े पड़ रखे हैं, यहाँ पर एक कोई सो वेंट जैसी कोई चीज़ है, ये है डोर हैंडल। ओके, मैं एक साथ तीन तीन चीज़ें कैरी कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लेज़र लग रखी है चीज़ ने, ओके एमओ बहुत बड़े बड़े, रिवॉल्वर तो है चलो इस गेम में। एंड ये क्या है, बॉम्ब, वेट अ सेकंड, डायनामाइट जिसपे 5 सेकंड का टाइम पर, बहुत बढ़िया। हाँ साहब अगर तुम ये पहले क्रोबार हाथ में रखते हो, गलती से मैंने फेंक रख दिया ना, सीन हो जाए। ओके, यहाँ पर एक ब्लू की पड़ी है, डोंट नो क्या यूज है इस चीज़ का, और कि ब्लू की का। यहाँ पर एक फट्टा सा आई थिंक, देखो ग्रेनी की गेम्स में तो हम इससे ही हाँ प्लैंक हटाते थे। ओके आवाज़ हो गई, ओके ओके वो प्लैंक गिरा तो आवाज़ हो गई, वहाँ पर कुछ पैटर्न भी बन रखा था। ओए तेरी बैड का टक्का, डरा दिया मुझे ऐसा। आजा 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 आजा, ओके अरे यार मैं निकल जाता। ओ भाई साहब ये तो झटके से मार रहा है बाण का टका। अरे यार मेरे पास डायनामाइट था यार, पागल हो क्या यार, मुझे डायनामाइट यूज़ कर लेना सकता हूँ क्या। यस बहुत बढ़िया, ये दोनों पागल है भाई साहब, मतलब कि टॉयलेट भी ऐसे चिपका रखा था। ओके डायनामाइट आई थिंक एक ग्रैनी, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं मानता ही नहीं इनको भाई साहब। मुझे बताया गया था सिर्फ बॉब एंड बक है भाई साहब, जनरल को फ़ोन करो भाई साहब, क्या सीन बन रखा है यहाँ पे। हेलो सर जी, मैं बोल रहा हूँ चिंटू चोर, आपने बताया नहीं सर जी बॉब एंड बक के ग्रैंडपा एंड ग्रैनी आए हुए हैं। अरे तूने तो उन्हें फ़ोन करके बता दिया था कि देखो हम आ रहे हैं, आ जाओ तुम्हारी पोतों की चीज़ें बचा सकते हो तो बचा लो।
सर जी मैंने कब बोला? तू साले वो गेस्ट्स का ऑप्शन बिजनेस चालू किया था हा? साले ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे, तुम चोरी करो जल्दी आ जा, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पे। मैटर हो चुका है खतरनाक वाला, मैं डायनामाइट फोड़ दूंगा इनके घर में, बता रहा हूँ मैं, बहुत गुस्से में हूँ मैं। देख ग्रैंड पास साला तू कैसे यहाँ पर आ गया यार की? नहीं 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 तेरी बहन की, क्या मैं मरा नहीं क्या वो? एक सेकंड वेट है ग्रैंड पास, इतना कमजोर सा हो गया तू, क्या करा छुट्टियों में तूने? है मेरी तो छुट्टियाँ भी शुरू हुई है, तूने ऐसा क्या कर लिया? सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। ओके मेरी हेल्थ लगभग आधी हो चुकी है यार, और मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ नहीं समझा मैंने, घर को एक्सप्लोर नहीं करा कुछ नहीं, बस अंधाधुंध घूमे जा रहा हूँ। एक और रास्ता है यहाँ पे, आई सब ग्रैनी के ट्रैप लगा रखे ग्रैनी ने, आई नीड अ डोर हैंड, ओ आई हैव इट, ओके एक और चाहिए फिर ये वाला बॉब इज डाउन, कौन मार रहा है यार इन्हें? अरे नहीं 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 ओके वो बॉब है तो ये बक है, ओके पतले सुकड़े साले ऐसे, तो मुझे पता भी नहीं कहाँ जाना है। ओके यहाँ कोई रास्ता नहीं है, वो आ रहा है क्या? ओके वो पीछे ही है, वो पीछे ही, ओके 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 वो पीछे ही घूम रहा है, वो नहीं छोड़ेगा, हट अरे फंस मत। ओके ये कीड़े सी फोंटिंग पेंटिंग फोंटिंग है, व्हाट? ओके इस डोर को खोल के देख लेते, कुछ नहीं खाली है। ओके ऊपर से ग्रैनी आती हुई, बाप रे मैं तो फंस गया रे, बंद करो इस गेट को चीचा। आय हाय झटका लगा दिया इसने, मैं अभी खोलने जा रहा था यार उससे, मैंने पूरे वो ड्रॉअर भी चेक नहीं करे, शिट भाई ये बहुत खतरनाक है यार। ग्रैनी यहाँ आ जा, औकात है तेरी बढ़िया साड़ी, ये ले पकड़ से, आ जा बॉब ले आ जा हट। ओके बॉब ऐसे सॉरी ये बक है, आ जा आ जा आ जा आ जा, ये तुझे तेरी औकात है यहाँ आने की। ओके सामने एक प्लैंक नहीं है लेकिन ओके आई यस आई कैन जंप थ्रू हियर, सो इधर की तरफ जंप करते हैं। ओके ओके भाई साहब जरा सी जंप पे रह गया वरना मैं नीचे गिर जाता। हाँ तो यहाँ पे और कुछ अहम हो, आयरन का कॉग पड़ा है यहाँ पर, नो आइडिया क्या चीज़ है और इससे क्या होता है। ओके मैं तो यार जेल में फंस गया यार, यहाँ से कोई रास्ता वस्ता है क्या जेल का? नहीं ये भी नहीं हट सकता, ये भी नहीं हटेगा। ओके यहाँ पर कुछ चीज़ है, ओके अच्छा इसे घुमाने पे, अच्छा ग्रैनी के ट्रैप से ये दोनों मर जा रहे हैं। ओ ग्रैनी इसलिए है क्या गेम में हमारी मदद करने के लिए? ना ना ग्रैनी मेरे पीछे पड़े थे, उसने मेरे डंडा मारने की कोशिश की, मैं भरोसा नहीं कर सकता ग्रैनी पे। ओके ओके हमें मास्क मिल चुके, कुछ मास्क की बात कर रहे थे ना, ये मास्क हमें मिल चुका है, पता नहीं क्या चीज़ है। ओके रिवॉल्वर का एक और पार्ट मिल चुका है, यहाँ पर एस्केप का रास्ता। ओके कोई कोड है 3441, ओके 3441 याद रखना है हमें। ये क्या है? द डोर हैज़ एन इलेक्ट्रिक लॉक, मे बी आई कैन कट द पावर कांच। ओके अरे एक और फ्लोर, मैं तो ऐसे ऐसे जा रहा था एक और फ्लोर, भाई साहब इनका घर बहुत बड़ा है, मैं तो सोच रहा था ग्रैनी ग्रैंडपा ये अमीर है ना भाई साहब, ये लौंडे भी बहुत अमीर है भाई साहब चोरी के पैसों से। ओके ग्रैंड की ये डर्टी फैब्रिक, ओके ये है डर्टी फैब्रिक, पता नहीं क्या यूज़ है, चलो इस रूम में चल के देखते। ओके यहाँ पर लेजर लग रखी है लेकिन वहाँ पर मुझे कोई मैस टाइप चीज़ दिख रही है, आई इनकी मैस जो भी बोलते हैं उसे। तो ओके ये वाला गेट खोल देता है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ है नहीं, मैं इस वाले रूम में आ चुका हूँ। एंड ओके ग्रैनी व्हाट द फक, क्या हुआ मेरी पूरी, व्हाट द हेल, मतलब मेरी पूरी लाइफ लाइन भाई साहब, ग्रैंडपा एंड बक भाई साहब वहाँ पर बारबेक्यू पका रहे हैं साले भाई साहब, बॉब एंड ग्रैनी यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं मुझे भाई साहब, लेकिन वो उस रूम में हुआ माँ की आँख भाई साहब, हथौड़ा सीधा सर पे दे मारा उसने, मतलब कि मैं उस रूम में गया और मैं सीधा मर गया बस भाई साहब। चलो एक और ट्राई करेंगे, गेसेस गेस्ट, अच्छा गेस्ट, ओ हेलो मदरफकर, मैं ये इसे मैंने ऐसा मैं ये पढ़ लिया कि ये गैस है, नहीं गैस नहीं ये गेस्ट है, अरे अच्छी इंग्लिश आने का ये मतलब नहीं है कि तुम एकदम एटीट्यूड में घुस जाओ, मतलब कि अब मैं समझा ग्रैनी ग्रैंडपा क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट लिखा था नॉट गैसेस, हियर इट इज गेस्ट, क्या बात है अरे, तो तुझे तेरी इंग्लिश की मैम ना तुझे पकड़ के दो चाटे मारेंगी। चलिए छोड़ो अब हम नॉर्मल मोड में शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, अब तो बक एंड बस ही है, अब ग्रैनी ग्रैंडपा से भी मिलेंगे लेकिन इनका पहले घर से एक्सप्लोर कर ले, अभी तो मैंने 5 चीज़ें नहीं देखी थी और मैं मर गया। खतरनाक वाला डैमेज देती है वो, बल्कि क्या बोलते हैं लेज़र,
लेकिन मैं लेजर में कैसे हटा? या फिर कुछ और हुआ वहाँ पे, कोई पटाखा वटाखा था, लेकिन ट्रैप ट्रैप लगा रखा था बॉब एंड बक ने, हैं कुछ और सीन था पता नहीं। ओके, ये रूम में तो कुछ नहीं है, नीचे लेजर लग रखी है, लेजर को नहीं छूना भाई साहब, ठीक है समझे ना। यहाँ पर है ओके, डायनामाइट मिल गया, आई थिंक डायनामाइट यहीं पर रहता है। ओके, हमारे पास एक ब्लू की है यहाँ पर, इसे रहने देते हैं। ओके, हाँ इसी वाले एरिया में पिछली बार मारा था ना मुझे सालों ने। यहाँ पर बारबेक्यू पका रहे थे। ओके, रिवॉल्वर का एक पार्ट यहाँ पर, यहीं पे लगा रहा, लगा के मारा मुझे, हट। ओके, हाँ ये वाला प्लैंक ना मैंने पिछली बार हटाया था। एंड ओके, यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ, सेफ है ना ये जगह। ओके, छी यार गटर का रास्ता, तो क्राउच करके जाना पड़ता है, कैसा फील होता होगा हमारे घर तो, लेकिन हमें ये करना तो होगा। ओके, यहाँ पर है आयरन का कॉग। ओके बढ़िया, ये कोई तो ओके, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी मैंने, लेट्स गो। ओके, वो अब वो आयरन का डोर खोल सकता है। ओ ओ ओके ओके ओके, ऐसे पूरे घर में अंधेरा छा चुका है, गलत तो ना कर दिया ना मैंने ये करके। ओके, यहाँ पर भी लेजर लग रखी है, वहाँ पर क्या है? ओके, और एमओ है यहाँ पर। ओके ओके ओके, बक 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 तेरी, आजा आजा आजा, मैं शायद इसे अब घुमा सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत रास्ता बता। कहाँ गया वो साड़ा? वहीं पर रुक गया। अच्छा, इन्हें ज़्यादा डिस्टेंस तक दिखाई नहीं देगा अगर लाइट नहीं होगी। अच्छा है, वो हथौड़े वाला खतरनाक है, सर पे हथौड़े, सर पे हथौड़े बजाता है। भग जाओ यहाँ से, पहले गेट खोल लो, अंदर डायनामाइट पड़ा है, भग जाओ यहाँ से, ऐसा वो सर पे हथौड़े हथौड़े बजा देता है। ओके, एक तो साउंड भी इसके साथ भी नहीं खेल सकता। ओके, वहाँ पर डायमंड की फोटो लग चुकी है, बहुत बढ़िया। डायनामाइट है यहाँ पे एक, एंड ओके एक और रिवॉल्वर, कितने मिले? आई थिंक दो मिल गए मुझे रिवॉल्वर के पार्ट, कितने लगाने होते हैं आई डोंट नो। ठीक है, आयरन की मैच गिरा देते, पीछे रहते थोड़ा सा। ओके सेफ, देखते हैं क्या होता है सीन। ओके बाढ़ में जाए, मैं ओवर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ओके यस, मुझे लगा पिछली बार कुछ कांड हुआ भाई साहब, बॉब की गुस्दी चटक गई यहाँ पे। ओके मुझे ओ ओ, ओ नहीं, अच्छा 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 अच्छा, अभी कैसे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें वेट करना होगा बग के जाने का, फिर हम कुछ और एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस बार तो मुझे कोई भी कोड नहीं मिला यार, पिछली बार तो कोड भी मिल गया था एंड एक पैटर्न भी मिला था, पता नहीं पैटर्न कहाँ लगाना है, लेकिन हाँ कोड का तो पता है, वहाँ पर एक तिजोरी पड़ी है, वहाँ पर लगाना है। तो आई थिंक मुझे पहले कोड को सर्च करना चाहिए, वहाँ से कुछ अच्छा सा मिल सकता है। चलिए अभी बग चले गए, यहाँ से निकलते हैं, पता चले। ओके वहाँ पर कुछ चमक रहा है, क्या है वहाँ पर कुछ है? ओके ये कोड पता है, मैंने पिछली बार तो ये देखा था, इस बार का पता नहीं, शायद कोड सेम ही हो, कुछ कोड आई थिंक ऐसा कुछ कोड था। ओके भाई, उसका पैटर्न का तो कुछ ना पता लग रहा, यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ है। ओके बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए हैं, कुछ एमओ है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला किजोरी है। यहाँ पर चाहिए हमें स्विच बोर्ड की। ओके यहाँ पर एक डायनामाइट भी है, इसे इमरजेंसी के लिए बचा के रखते हैं, क्योंकि आई थिंक ये भी लिमिटेड होंगे ना मेरे हिसाब से। ओके अब हमारा टारगेट है पहला कि हमें कुछ पासवर्ड्स एंड कोड वगैरह ढूंढना है, एंड दूसरा इस स्विच बोर्ड की को हमें ढूंढना है। ये वाला दरवाज़ा हमने ओपन करा था एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, हम उस तरफ चल लेते हैं मोनालिसा की पेंटिंग के पास, देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है, एक सेकेंड। ओके समथिंग इज मिसिंग हियर, आई थिंक मैं वो प्लैंक यहाँ पर लगा सकता हूँ, तो मुझे उसे फिक्स करने के लिए शायद स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए होगा, क्योंकि वरना तो वो फट्टा गिर जाएगा ना यार, हम अगर हम उस पर चढ़े तो। पता नहीं, देखते क्या सीन है, एक बार फट्टा लेकर आते हैं, और ये कॉग भी यहाँ गिरा देता हूँ जिससे कि वो यहाँ पर आ जाए और मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ। बढ़िया, सब नीचे चल लेते एक बार, यहाँ पर कुछ तो है, ये है बॉटल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ओके बहुत बढ़िया, पता नहीं इसका यूज़ क्या है, लेकिन चलो मिल गई, याद रखेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो। वैसे पता चला गन वन बनाने में काम आया, लोग गन बनाने में डिसइंफेक्टेंट नहीं यार, आई थिंक कुछ हीलिंग्स क्राफ्ट कर पाएंगे हम, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर देख लेते क्या। ओके लेट्स गो, कोड मिल चुका है हमें एंड बहुत बढ़िया यार, कोड मिल गया हमें, कुछ और मिल पाएगा हमें ये उम्मीद है यार हमें इससे। यहाँ पर छुपने की जगह और कुछ नहीं, वैसे आई थिंक वो दोनों ना ऊपर घूम रहे हैं। ओके यहाँ पर एक बेसमेंट का भी रास्ता जा रहा है, हाँ तो मैं कह रहा था वो दोनों ऊपर लग रहे हैं क्योंकि मैं नीचे का पूरा फ्लोर घूम लिया, कोई नहीं है दोनों में से। यहाँ पर एक रेड की पड़ी हुई है एंड कुछ केज टाइप जगह। ओके यहाँ पर हैंड व्हील लगेगा एंड यहाँ पर एक कोड 3442 सॉरी। लेट्स गो, अब दोनों चीज़ें हमें मिल चुकी है, अब दोनों जल्दी से ऊपर जाके लगा देते हैं। तो वैसे बक ने मुझे देख लिया, मुझे जल्दी से जल्दी छुपना होगा, उसके बाद कोड वोड की बातें करेंगे। ओके आई थिंक आई एम सेफ। हाँ भाई साहब बोल, क्या वैसे बहुत चौड़ा बन रहा है तू, ध्यान रखिए हो गुर्दिया चटका दूंगा तेरी, चाटे चाटे बजेंगे ना, कभी सपने में भी नहीं सोच पाएगा चोरी करने की, समझा ना। चलिए गाइस, आई थिंक वो जा चुका है यहाँ का, पहले एक बार डोर लगा देते हैं। कोड था 3442
अरे यार 3442। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पर है एक बटन, आई डोंट नो बटन से क्या होता है। चलो लेकर चल लेते हैं। मैंने बॉटल ऑफ डिसइन्फेक्टेंट गिरा दिया यहाँ पर, मुझे याद रखना है मैंने कौन सी चीज़ कहाँ गिरी है। ओके कोई आ नहीं रहा, चलो ठीक ही बात है, अच्छी बात है कोई ना आए तो, लेकिन ऐसा हो थोड़ी ना सकता है। तो पैटर्न कुछ इस तरह से था, लेट्स गो। अब क्या होगा? ओके वो दीवार, ओ वो पेंटिंग वहाँ से हट गई है, वहाँ पर कुछ है। यहाँ पर ये तो खाली है, यहाँ पर पता नहीं क्या। ओके बॉब बॉब जा भाई, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, जा जा तो सब सेफ है यहाँ पे। ओके यहाँ पर हैंड व्हील है भाई साहब, और 5 से हाथ दे यार मुझे। ओके इस डायनामाइट को आई थिंक मुझे यूज़ कर लेना चाहिए अभी, क्योंकि इसके बाद कहाँ यूज़ आएगा यार इसका। ओके गाइज लेट्स गो। ले भाई साहब दूसरा बंदा भी आ गया मरने। क्या उन्हें पता चल गया क्या मैंने ओ शेट, मुझे लगता है उन्हें पता चल गया कि मैंने वहाँ पर डायनामाइट प्लांट किया है, ऐसा कुछ सीन है। पता नहीं यार, नहीं है मेरे पास बटन और क्रोबर, मुझे लगा गिर जाएंगे, यही है ये दोनों चीज़ें तो। ओके मुझे इस बार, ओ वो वाली केज में हमने पिछले अभी देखी ना थोड़ी सेकंड पहले, उसी केज में लाके मुझे बंद कर दिया है। इसे क्रोबार से खोल सकता हूँ? गुड। अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ बात है, मतलब कि अगर मुझे थोड़ी ना पता है मैं कब मरूंगा, और अगर मुझे हर बार इस डोर को खोलने के लिए क्रोबार चाहिए तो मेरे पास सिर्फ 2 ही स्पेस रही यार। ये वाला सीन है क्या? क्योंकि भाई वो तो क्रोबार से ही खुला, अगर मेरे पास क्रोबार नहीं रहेगा तो गेम ख़त्म भाई। लो भाई साहब कर लो बात। यार ये वाली साइड मैंने एक्सप्लोर की थी लेकिन पूरी वहाँ तक एंड तक नहीं गया था, तो इसमें ओके आई नीड अ बट, ओ आई हैव इट। इसे प्रेस करता है, क्या हुआ? ओके ये वाली चीज़ ऐसा गोल गोल घूमने लगी, रुक जाओ आई थिंक मुझे इसके अंदर बैठना है। एंड लेट्स गो, वो न्यू वर्ड छोड़ो, गाना नहीं गाएंगे हम, कॉपीराइट लग जाएगा। हाँ तो यहाँ पर चाहिए हमें एक कॉग व्हील। ओके एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ और नया तो नहीं है आई थिंक, मुझे इसे फिर से प्रेस करना होगा बाहर जाने के लिए। यस मैं आयरन का कॉग लेकर आ चुका हूँ, बस इसमें से ना कोई बढ़िया सी चीज़ मिल जाए यार, कोई ऐसा ब्लास्टर ब्लास्टर भाई, जिससे मैं ना इन दोनों का ऐसा पटाखे बजा दूँ और उसके बाद हम गेम इजीली जीत पाए। एंड भाई साहब ये थोड़ा सा जल्दी हो सकता है कि अगर वो दोनों आ गए तो मैं फंस जाऊँगा है भाई साहब। ओके मैंने इसे, ये क्या हुआ, लगा तो दिया मैंने, कुछ कुछ गलत हुआ क्या? मैंने लगा दिया एंड कोई ना कोई लीवर आया ना ये खुद ब खुद घूमा क्या, मुझे कोई टैप नहीं यार, कहीं टैप भी नहीं करना। और ये ओके कुछ और चाहिए क्या इसके लिए? ओके मुझे कॉग व्हील चाहिए, और ये अच्छा ये आयरन का कॉग है और मुझे कॉग व्हील चाहिए, क्या बात है भाई साहब, मतलब कि अच्छी बात है, ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक सामान चाहिए, चलो ठीक बात है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं अब। ओके यार तो मुझे शायद अब ऊपर जाना चाहिए, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, वहाँ पर भाई साहब लकी कहाँ से प्रकट हो गया भाई साहब, क्या तुम्हें फ्लैश की आत्मा गई क्या, भग के यहाँ पर आ गया। तो वैसे मैं कह रहा था ऊपर चल रहे थे और वो जो व्हील हैंडल था ना वो ले आते हैं, जिससे कि हम आगे की पजल सॉल्व कर पाए, भाई कुछ तो करे यार, मतलब कि आई थिंक अगर वो हम कर ले और हमें ये कॉग व्हील मिल जाए और वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, मतलब कि यार देखो मैं मतलब कि एक्सपेक्ट तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना यार। चलिए यहाँ से हम डायनामाइट मिल गया हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कैबूम कर देंगे भाई सब उन दोनों के मुंह पे। ये एक और आई थिंक हमें तीनों रिवॉल्वर के पार्ट मिल गए ना, इसी गेम में था या फिर पिछली गेम में था? अरे यार मैं तो पूरा कन्फ्यूज़ ही हो गया। लेकिन अगर देखो दो भी पार्ट मिले, तू भाई हट जाना यार, पूरी गेम में सबसे ज़्यादा घर से ज़्यादा तू दिखा है मुझे सही में। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे बाकी के 2 पार्ट मिल गए तो मुझे याद होगा कि ये तीसरा पार्ट का है, तो फिर हम इन दोनों का क्या बूम कर देंगे, बूम बम से उड़ा देंगे सालों को। ओके भाई साहब वक्त तो अपनी मौत के बहुत करीब है, In 2 1 भाई साहब क्या परफेक्ट काउंट डाउन था यार। चलो बग गया, बस बॉब यहाँ से ना। ओके तो तेरा आना एक सौ कंपल्सरी है ना, आ जा, इस बार वो गलती नहीं करूँगा, ज़्यादा क्लोज नहीं आने दूंगा इस बार, थोड़ा सा दूर रहेंगे, वैसे पिछली बार ज़्यादा क्लोज आके पकड़ लिया था भाई साहब ने। चलिए गाइस तो मुझे अब सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, यहाँ पर मैंने आई थिंक हाँ चेक कर लिया, सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं व्हील हैंडल लाने। बहुत बढ़िया गाइस यहाँ पर है हमारा व्हील हैंडल, हैंड व्हील सॉरी व्हील हैंडल, कब से बोल रहा था मैं से। ओके अभी से हमें नीचे लेकर जाना है और वहाँ से कोई तो आई थिंक प्रोसेस हो गई, चलिए देखते हैं। ओके गाइस बॉब उस ओर खड़ा है तो आई थिंक मैं यहाँ से एस्केप तो मार ही सकता हूँ ना, कोई ऐसा बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। एंड ओके ओके अब बड़ी बात हो गई क्योंकि अब बक ने देख लिया। अरे यार उसने देख लिया मुझे शायद छुपते हुए, वो पकड़ सकता है क्या यहाँ पे मुझे?
ऑब्वियसली यार, मतलब कि मैं सवाल कैसा कर रहा हूँ यार। वो कह रही थी मेरे पास एक लास्ट डे बचा हुआ है, उसके बाद हमारे गेम का कबूम हो जाएगा। लगता है ना कि ये व्हील जो है ना, ये हमारे गेम का टर्निंग पॉइंट है, इसलिए ये लोग ना मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि अगर वो व्हील मेरे पास हाथ में आ गया तो कुछ ऐसा खतरनाक हो जाएगा, जैसे कि मैं इसके हाथ में आ जाता तो ये मुझे टकले पे से हथौड़ा बजा देता। साढ़े तू तू रुक भाई तू, मैं तेरे इतने चाटे मारूंगा ना, भूल जाएगा तू कौन है। एंड भाई सब चलो हो गई खत्म गेम एक और बार। ना इस गेम प्ले भाई सब, ओ भैंस की टांग, तुम ये कौन सी जगह पे ले, और मोटे तो ऊपर क्या कर रहा है ये कौन सी जगह है भाई साहब ये? ओके ये तो वही कीड़ा है जो हमने देखा था फोटो से, तो भाई साहब बहुत बड़ा लग रहा है भाई, हम दोस्ती कर सकते हैं यार। चलो आज की थोड़ी वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मतलब आपसे किसी और नए मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ एंड गुड बाय।